तीनों हमारे मौजूद मेहमानों ने, भाई सॉरी बरकत मौजूद कह रहा हूँ, प्लीज, तीनों हमारे मौजूद मेहमानों ने जो है बहुत ही जबरदस्त खेला। हाँ जी, जबरदस्त। और पहली मर्तबा जो है वो मैं ये कहना चाहूंगा बरकत भाई जी, सर पहली मर्तबा आप किसी और के चैनल को नहीं हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे। हाँ, ये भी अच्छी बात है, सारे चैनल ही हमारे चैनल, खुदा की कसम। ऐसी बात तो कहते हैं, हम तो हमेशा वीडियो में कहते हैं सबके चैनल सब्सक्राइब करें, सबको रोजी पे लगाएं, जबरदस्त, सब कमाएं, नौकरियां हैं कहाँ? आपने रोजी से ये बात पूछी? हाँ, रोजी से, उसी ने बोला था, मैंने कहा ये यहाँ पर नौकरी, देखो ना लोग क्या नौकरी करेंगे तो फिर उनकी शादी होगी, और कहते हैं प्यार प्यार तो बेरोजगारी में होता है, कमाई देखकर तो रिश्ते होते हैं। ओह वाओ, वेरी वेल सेड, क्या खूबसूरत बात की आपने यार, मतलब उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी आपने, इतनी प्यारी बात, अच्छी बात कर रहा हूं, आई अप्रिशिएट, गंदी बात करो फिर आई अप्रिशिएट। वाह वाह वाह, शादी के बाद आपकी क्या राय है? आपने अभी तक शादी नहीं की, आपने मुझे इसका जवाब देखिए, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग, आपने गंदा जवाब दिया तो मैंने काट दिया, मैं अच्छा जवाब दूंगा। शादी इट्स जस्ट लाइक अ टॉयलेट, जो अंदर बैठा उसको बाहर जाने की जल्दी, और जो बाहर खड़ा उसको अंदर जाने की जल्दी। ओके, आपको किस बात की जल्दी है जो आप बार बार पूछे जा रहे हैं? पता नहीं भाई, मैंने कहा था शायद कोई ये कर नहीं रहा ना यार, काफी अरसे से हम देख रहे यार, ये सवाल तो एक मम्मा बन गया, अम्मा बन गया, अम्मा बन गया ना, आईन पे तशदीद, अम्मा बन गया ना, कोई हल ही नहीं कर पा रहा। देखिए कहते हैं बीवी घर का चिराग होती है, अब आप जरा सोचिए अगर एक ही घर में चार चिराग हो तो कितनी रोशनी होगी। अरे वाह, वेरी गुड, आप बहुत वेरी गुड भाई, देखिए आग भी लग सकती है, रिस्क भी, नहीं आग तो एक से भी लग सकती है। अब आपके ऊपर एक चिराग को कैसे आप लेकर चलो ना। हाँ, पता चला मोहल्ले वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं चिराग को, वो ना हो सेहत के हिसाब से एक भी बहुत नहीं होगी बरकत जी। हाँ, मतलब मैं ऐसे ही कह रहा था। खैर, तो उसमें आप बताइए, ईद माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त गुजरती है, बेहतरीन गुजरती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारे रहे, ऐसा लग रहा है फूफा जान आए हैं आज हमें। फूफी भी तो आई है, किसी की फूफी होंगी? नहीं नहीं, फूफी तो होंगी आप किसी की, लाजमी नहीं अभी। व्हाट इज अ फूफी? फूफी होती है आंट, मतलब आपके भाई हैं तो उनका अगर जो बच्चे होंगे वो आपके, आप उनकी फूफी होंगी। अच्छा, मेरे बच्चों की फूफी है यार, माशाल्लाह। अच्छा, ये रिश्तों की बात हो रही, मैंने देखा हर खानदान में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं मेरी तो ख्वाहिश है सब मिलजुल कर। मैं इसीलिए तो उसमें से बात कर रहा था जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप बहुत सीरियस करना चाह रहे हैं शो? नहीं नहीं, मैं संजीदा नहीं करना चाह रहा, मैं ऑन एयर करना चाह रहा हूँ। आपको मैं आपको कॉन्टेंट दे रहा हूँ, कम देंगे आप अभी, आपने कहा रिश्तों की बात चल रही है, आप रिक्शे की बात समझ के चढ़ जाते हैं हर बात में। अच्छा, उसमें से बात तो करने दे, ये इतना ज्यादा चढ़ते हैं जब तक शादी नहीं हो रही। हाँ, बताइए कि फैमिली शो है यार। हाँ तो चल अजीब, अबे रिक्शे में चढ़ने की बात है भाई, क्या हो गया आपको यार? हाँ यार, क्या अजीब ज़हनी, मेरा रिक्शा उसके दो टांगे सिर्फ। अच्छा, अजीब बात कर, हालांकि सही कह रहे हैं जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? ओए हुई हुई, ये पहले भी पूछा था ना? अभी नहीं, ये हर साल पूछते हैं। मैंने कहा ईद का कुछ फ्लेवर तो आए, ईद की बात तो होनी चाहिए। अच्छा, ईद पे हमारे कुछ रिश्तेदार आते थे, खासतौर पे हमारे अंकल, वो आते थे, बुलाते थे, इधर आओ बेटा इधर आओ, हम छोटे छोटे, हाँ नहीं मजाक, जेब से गड्डी निकालते थे, हजार हजार, पांच सौ पांच सौ, सौ, बीच में से दस का नोट, ये लो बेटा, अरे इतने नोट दिखा के बीच से दस का नोट। आपका बिल्डअप बड़ा खतरनाक था, हम हैशटैग बनाने वाले थे, तो अच्छा हुआ आपने बीच में दस का नोट दिखा। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ वही भाई, हम डर गए थे, पता नहीं क्या होने वाला यार, अब दस बीस वाली तो कहानी खत्म हो चुकी है, मतीरा अब तो 10-20 को ईदी देते भाई जान। इंडियन करेंसी 18 मुल्कों में एक्सेप्टेबल हो चुकी है, और हमारा अपना जाति 75 रुपए का नोट पान वाला नहीं ले रहा, बोला नकली, सब मोबाइल में लगा के घूम रहे। हाँ यही हो रहा है, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। आप लेने के 75 रुपए वाला नोट? मैंने अभी तक देखा ही नहीं है 75 का। अच्छा, जिस कलर का आपने कपड़े पहने इसी कलर का ज्यादातर? अच्छा, आपने देखा ही नहीं है? मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा अभी, मेरे पास है। देखा है, मतलब मिला नहीं है पीछे तक, वो चल ही नहीं रहा मार्केट में, एक्सेप्टेबिलिटी वो एक आध हफ्ते के लिए चला था यार। फेक नोट्स भी बहुत हो गई है ना, फेक नोट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और फेक बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, इसलिए हम सोचेंगे कि दिल की बातें दिल तक पहुंच रही हैं या नहीं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।